गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अपने घर में अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 और अगेन आज मॉर्निंग टी के साथ। तो आज तबीयत बेटर है, ठीक है, बैक टू वर्क। तो काफ़ी सारे व्लॉग्स पड़े हैं मेरे एडिट करने वाले, तो बारी बारी 10x10 आई थिंक व्लॉगिंग एडिट करती हूँ मैं। और सबसे पहले तो दिवाली का व्लॉग है वो एडिट करके डालती हूँ आज। कोशिश करती हूँ कि आज वो एडिट हो जाए और डालती हूँ मैं उसको। और चलो, आयरा तो चली गई है, अरविंद गए हैं वॉशरूम चाय वगैरह पी के, और मैं लेके बैठी अपनी चाय। तो मैं इंजॉय करती हूँ अपनी मॉर्निंग टी और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो गाइस, अभी बज रहे हैं 9:20 और इधर उठ के, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो कबीर उठ गया है। फिलहाल मैं यहाँ कबीर का बिस्तर तय कर रही हूँ। तो आज काफ़ी टाइम के बाद अच्छा लग रहा है कि मैं वापस आई हूँ अपने व्लॉग्स पे। तो आप सब पे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं वापस आई हूँ अपने व्लॉग्स पे। तो आप सब लोग दुआ करना कि आई होप कि अब अच्छे से जाए। पता नहीं किसकी नज़र लग रही है क्या, और आई डोंट नो, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। इतना तो फॉर श्योर है कि कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि सडनली ऐसा कभी हमारे साथ आज तक कभी भी नहीं हुआ कि हम लोग इतना वीक हो गए हैं। इतना मतलब दिवाली हमारी फर्स्ट, मेरे ख्याल से तो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरी दिवाली ऐसे कभी जाएगी। बट बहुत ख़राब दिवाली गई है। तो बट फिर भी कह लो कि ऊपर वाले की कृपा थी, कि ऊपर वाले की दुआएं साथ थी, आप लोगों की दुआएं थी कुछ, कि जो हमारी दिवाली, चलो इतनी ख़ास तो नहीं कह सकते बट इतनी ख़राब भी नहीं कह सकते, क्योंकि एटलीस्ट पूजा तो हुई है। नहीं तो मेरी तो हालात ऐसे थे कि पूजा भी नहीं हो पाती। बट चलो, आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्या पता इसमें भी कोई अच्छा ही हो, है ना। तो चलो, आप बैक टू वर्क आ गए हैं। आई होप कि अब अच्छे से मेरा व्लॉग आएगा, अच्छे से सब कुछ होगा। तो मैं आज पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं एडिट करके और व्लॉग डालने की कोशिश करती हूँ। दिवाली वाला व्लॉग तो आएगा ही एटलीस्ट, तो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो डालने की कोशिश करूँ। और चलो, अभी कबीर उठा, अभी हाँ कबीर का बुखार नहीं उतरा है, उसको भी है अभी फीवर थोड़ा। तो पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक व्लॉग तो एडिट करके डालूं। तो चलो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो गाइस, दूध बॉयल हो गया है। इधर थोड़ा सा कल का दूध था वो भी बॉयल कर दिया, आज का भी कर दिया, और बर्तन वगैरह सब क्लीन है। और कभी को देख लो, ठीक है। तो बाकी सब कुछ भी हो गया, बस दूध बॉयल हो जाए फिर जाकर नहाएंगे। और कबीर को तो नहीं नहलाऊंगी, कबीर के कपड़े चेंज कर देंगे। और मेरा फेस देखो कितना खराब हो गया ना। चलो, फेस वेस की तो कोई बात नहीं है, अब ये है कि व्लॉगिंग सही हो। तो फाइनली गाइस, 11:30 बज रहे हैं और फिलहाल मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ एक कप कॉफ़ी ली है और नमक वाली परांठीज बनाई हैं, बस और कुछ नहीं। अभी नहा के आई हूँ, कबीर को तो जैसा आपको बताया ही है कि नहलाना नहीं है। तो बस करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर आएगी आयरा, फिर मिलते हैं। तो गाइस, दोपहर के बज रहे हैं 2:45 और आयरा आ गई है। फिलहाल वो खा रही है फ्रूट। दांत है नहीं है ईकर,
लीव। तो कबीर अभी सोया हुआ है और फिलहाल आयरा फ्रूट खा रही है, तो वो खा लेगी जब तक। और मैं कोशिश करती हूँ अपनी एडिटिंग करने के लिए, बैग निकाला है तो थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं। और आई होप कि व्लॉग आ जाए मेरा आज, तो लेट्स सी। तो गाइस अभी बज रहे हैं 4:45 और आयरा को मैं छोड़ के आई ट्यूशन, कबीर को दूध दे दिया, खुद कॉफ़ी पी ली है और सब्जी काटती है। आज बन रही है आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी मैं, गोभी थोड़ी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो आज आलू गोभी बना लेते हैं, और कट करके रख दी है। बस अभी 4:45 हो रहे हैं तो बस थोड़ी देर में लगा दूंगी मैं तड़का, और फिर एडिटिंग कर रही थी तो कबीर उठ गया, उसने करने नहीं दी, ऊपर से आयरा का जाने का टाइम भी हो गया था तो एडिटिंग मेरी बीच में रह गई है, तो अब तो करने नहीं देगा ये। तो पूरी कोशिश करूँगी कि फटाफट खाना वगैरह बना लूँ और जल्दी से फ्री हो जाएंगे, और कोशिश करेंगे जल्दी मतलब अगर फ्री हो गई जल्दी तो फिर एडिटिंग कर लूँगी। और आई होप कि आज व्लॉग आधी तो हो गई, आधी रह गई है तो आज एक व्लॉग तो मैं डालूँगी, तो चलो देखते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अपने घर में अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग में 6:48 और आयरा रेडी हो गई है स्कूल के लिए, और टिफिन वगैरह पैक हो गया आयरा का। ये देखो और आयरा सुबह सुबह खा रही है सैंडविच, आज आयरा को सुबह सुबह प्रसाद मिला। तो गाइस अभी बज रहे हैं 8 और ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया है, लंच पैक हो गया है और बस अभी आके बैठी हूँ। कबीर खांस रहा है, कबीर नहीं सो रहा है अभी फ़िलहाल, आवाज़ आ रही है ऐसा लग रहा है कि उठ रहा है। और आज धूप बिल्कुल नहीं निकली है, आई थिंक सो की बारिश होगी। एक्चुअली बारिश हो जाए ना तो थोड़ा सा वेदर सही हो जाएगा, क्योंकि ना मतलब सूखी सूखी ठंड पड़ रही है, अच्छे से ठंड नहीं पड़ रही है, जिस वजह से सारे बीमार पड़ रहे हैं। और इतना पोल्यूशन हुआ पड़ा है ना, मतलब हवा में बहाना बहुत पोल्यूशन हुआ पड़ा, तो अगर बारिश हो जाएगी ना तो उससे ना थोड़ा सही हो जाएगा, पोल्यूशन बैठ जाएगा। जैसे बारिश पड़ती है ना तो उसके सहारे, पानी के सहारे पोल्यूशन थोड़ा बैठ जाएगा, बट बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है मौसम। और बस मैं तो यही कहती हूँ कि बारिश हो जाए। और चलो आज मेरा व्लॉग भी आ गया, कल बड़ी मुश्किल से एडिट किया है। एक्चुअली वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अभी ना वीकनेस इतनी है कि बैठा नहीं जा रहा है प्रॉपर ना, मतलब एक ना जब आप एडिटिंग करते हो ना तो आपका एक माइंड सेटअप होता है कि आपने यहाँ एडिट करना है और यहाँ बोलना है, मतलब आपका ना मतलब एक प्रिपेयर्ड होता है माइंड, जैसे कि आप एक एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना उस हिसाब से आपका एक, जब आप एडिटिंग करते हो तो आपका एक पूरा माइंड ना प्रिपेयर्ड होता है। बट आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि जैसे थोड़ी सी एडिटिंग अभी कर ली, थोड़ी सी बाद में कर ली, ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। अगर आप कर भी लोगे ना, अगर आप ऐसे थोड़ी थोड़ी करके भी कर लोगे, फिर भी आपको लास्ट मोमेंट में आपके आपको एक बारी पूरी वीडियोस चेक करनी पड़ेंगी, तो
काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब अगर आप एडिटिंग करने बैठे हो तो आपका 2 घंटे तो कहीं नहीं गए, तो 2 घंटे लगातार अभी मुझसे बैठा नहीं जा रहा। तो कोशिश तो मेरी थी, मैंने बताया ही था कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैंने व्लॉग एडिट करना ही करना है। तो कल भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ। आफ्टरनून में मैं एडिट कर रही थी, कभी रुक गया और वो एडिट नहीं हुआ, फिर रात को किया। नींद आ रही है मेरे को आज, फिर रात को एडिट किया। तो जब रात को एडिट किया तो फिर वही कि आपको सारा कुछ देखना पड़ता है और फिर से स्टार्ट करना पड़ता है शुरू से। तो बस फिर काफ़ी टाइम लग गया था रात को भी। बट अब ना ऐसे रात रात भर शायद जाग के ही मेरी तबीयत ख़राब हुई है, तो कोशिश करूँगी कि मैं ना जागूँ, दिन में एडिट कर लिया करूँ। मतलब कोशिश रहेगी मेरी पूरी ऐसे। बाकी देखो, पहले इतना अच्छा ना, इतना अच्छा सेटअप था ना कि मतलब मैं व्लॉग एडिट कर लेती थी और दो कई बार अगर मेरे पास व्लॉग होते थे तो मैं 2-3 एक ही बार में एडिट कर लेती थी। पता नहीं एकदम से क्या हो गया, मतलब कि अभी कंटिन्यूसली बैठना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया। चलो कोई बात नहीं, आई होप कि चलो आने वाले व्लॉग्स मेरे सही आ जाए। बहुत गला ख़राब है अभी भी। चलो देखते हैं आगे। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 4:15 और 4:05 है। आया ना बेटा, ये उठा, उसने देख नीचे खिला दिया। तो आयरा आ गई थी, तो अब जा रहे हैं आयरा को ट्यूशन छोड़ना है और कबीर भी जा रहा है साथ में, तो चलते और ये भी पढ़ेगा अच्छे ट्यूशन। चले ये ट्यूशन अच्छे लड्डू, चले तू भी चले ना। तो चलते हैं और बाहर का मौसम दिखाती हूँ आज। देखो कितना गंदा मौसम हुआ बड़ा। तो गाइस अभी बज रहे हैं 4:30 और आयरा को छोड़ के आई हूँ और कबीर का दूध गर्म कर रही हूँ। अब कबीर को दूध पिलाएंगे और इसके बाद बनाएंगे आज दाल वगैरह कुछ बनाते हैं। चावल ही बनाऊँगी, दाल ही बनाऊँगी, दाल रोटी। तो मिलते हैं। तो गाइज आज का व्लॉग मैं यहाँ करती हूँ एंड। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय गाइज, बाय, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स।